दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको के कैब डिस्प्ले यूनिट में कितने तरह के मैसेज डिस्प्ले होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो थ्री फेज लोको के जो DDU में आपको तीन प्रकार के मुख्यतः मैसेज मिलेंगे, जैसे कि इन्फॉर्मेशन मैसेज या फॉल्ट मैसेज या आइसोलेशन मैसेज। तो पहला इन्फॉर्मेशन मैसेज क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यह मैसेज DDU में स्वतः ही प्रकट होता है और लोको पायलट को कुछ जानकारी देकर खुद ही चला जाता है। और इस मैसेज के दौरान न ही BPFA की बत्ती जलती है और न ही LSFI ब्लिंक करता है, और साथ ही इस मैसेज को एक्नॉलेज करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं कि कितने प्रकार के इन्फॉर्मेशन मैसेज आपको लोको में मिलेंगे। मुख्यतः 6 प्रकार के आपको इन्फॉर्मेशन मैसेज मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन मैसेज 001, सेल्फ होल्ड मोड एक्टिव फॉर 10 मिनट्स, MC विल स्विच ऑफ, चेंज कैब और रिपेयर ट्रेन और मल्टीपल ऑपरेशंस विद इन 10 मिनट्स। इन्फॉर्मेशन 002, मोर देन वन कैब एक्टिव, डीएक्टिवेट नॉन ड्राइविंग कैब अदरवाइज आफ्टर 10 मिनट्स, MC स्विच ऑफ। इन्फॉर्मेशन 003, ट्रैक्शन में नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस लोको और ऑन द स्लैब लोको, ब्रिंग थ्रॉटल टू 0 देन सेट अगेन। इन्फॉर्मेशन 004, ट्रेन बस कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज़ वेट। इन्फॉर्मेशन 005, फुल TEB रीस्टोर्ड। इन्फॉर्मेशन 006, पेंटो रेजिंग प्लीज वेट। तो ये आपको 6 प्रकार के इन्फॉर्मेशन मैसेज मिलते हैं, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। अब जो दूसरा प्रकार का मैसेज, जो फॉल्ट मैसेज मिलता है लोको पायलट को, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लोको में कभी किसी भी प्रकार की खराबी आने से लोको का कंप्यूटर खुद ही उस खराबी की जाँच कर लोको पायलट को एक फॉल्ट नंबर के साथ फॉल्ट मैसेज के रूप में DDU में इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे लोको पायलट को पता चलता है कि लोको में क्या खराबी है और मुझे क्या ट्रबल शूट करना है। तो इस दौरान BPFA की बत्ती भी जलती है और प्रायोरिटी वन फॉल्ट होने से या कुछ और प्रायोरिटी टू फॉल्ट में भी LSFI की बत्ती जलती है। तो लोको पायलट को तुरंत ही फॉल्ट नंबर और फॉल्ट मैसेज नोट कर लेना चाहिए, और यदि मल्टी यूनिट लोको है तो लोको नंबर के साथ इसे नोट कर लेना चाहिए। तब BPFA को प्रेस कर फॉल्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए, और BPFA को प्रेस करने के बाद में नोट के बारे में भी ध्यान रखना है और उसी के अनुसार फिर आगे काम करना है। और यदि कोई सबसिस्टम आइसोलेट हो जाता है उस समय, तो LSFI की बत्ती कंटिन्यू ग्लो करते रहेगी। फॉल्ट मैसेज TDS में लोको पायलट को जब भी मिलेगा, वह उसे बिना पढ़े हुए या जो सजेशन दिया गया है उसे फॉलोअप किए बिना एक्नॉलेज नहीं करेगा, क्योंकि एक बार एक्नॉलेज करने के बाद में मैसेज लॉस्ट हो जाता है। P1 मैसेज यदि लोको पायलट को मिलता है तो उस पर तुरंत ही एक्शन लेना है और TSD के अनुसार तुरंत कार्रवाई करनी है। P2 मैसेज मिलने के समय में जरूरी नहीं है कि आप तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन यदि ये बैटरी वोल्टेज लो का मैसेज है, MCV 100 यदि ट्रिप्ट कंडीशन में हो गया है, तो उस समय तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। P1 मैसेज जब भी आएगा LSFI ब्लिंक करेगा और साथ ही BPFA की बत्ती भी जलेगी। कुछ प्रायोरिटी टू फॉल्ट मैसेज जैसे कि F02-03P2 या F03-03P2 या कुछ और भी फॉल्ट मैसेज जो लाइन कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर से संबंधित है, IGBT बेस्ड लोको में इन प्रायोरिटी टू के फॉल्ट मैसेज में भी BPFA की बत्ती तो जलती ही है, LSFI भी फ्लिकर करता है। तो आप फॉल्ट मैसेज को देखकर प्रायोरिटी वन या प्रायोरिटी टू का पता कर सकते हैं कि ये कौन सा फॉल्ट मैसेज प्रायोरिटी वन का है या कौन सा प्रायोरिटी टू का है। अब तीसरा मैसेज जिसके बारे में हम लोग को जानना है, वह है आइसोलेशन मैसेज। तो ये आइसोलेशन मैसेज भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों में ये आइसोलेशन मैसेज बिना कोई फॉल्ट कोड के आते हैं,
और सीडेक सॉफ्टवेयर लोको में यह आइसोलेशन मैसेज फॉल्ट कोड के साथ आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आइसोलेशन मैसेज कितने प्रकार के आपको मिल सकते हैं, और जो फॉल्ट कोड के साथ आते हैं आइसोलेशन मैसेज उसमें लास्ट में P0 रहता है। आइसोलेशन मैसेज के एग्जांपल हैं जैसे F01 00P0, मेन पावर SS01 आइसोलेट हो जाने पे आएगा मैसेज, F02 00P0 या ट्रैक्शन बोगी 1 SS02 AI आइसोलेट होने पर मैसेज आएगा। उसी तरह F03 00P0 ट्रैक्शन बोगी 2 आइसोलेटेड, F04 00P0 हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेटेड, F06 00P0 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेटेड, F07 00P0 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेटेड, F08 00P0 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 आइसोलेटेड, F13 00P0 कैब 1 आइसोलेटेड, F14 00P0 कैब 2 आइसोलेटेड, F17 00P0 FLG1 आइसोलेटेड, F18 00P0 FLG2 आइसोलेटेड, F19 00P0 ट्रेन बस आइसोलेटेड। तो ये सभी जो है आपको आइसोलेशन मैसेज ये आपको फॉल्ट कोड के साथ आए हुए हैं। और आगे फिर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के मैसेज आने पे लोको पायलट को क्या करना है। देखिए अभी तक जो थ्री फेज लोको बिना सीडेक सॉफ्टवेयर का लोको जो था उसमें इस तरह का कोई फॉल्ट कोड नहीं था, आइसोलेशन मैसेज मिलता था लेकिन बिना फॉल्ट कोड का था। लेकिन अभी सीडेक सॉफ्टवेयर में जब फॉल्ट कोड इस प्रकार का 00P0 का आइसोलेशन मैसेज अपियर होता है तो इसमें क्रू मिसगाइड हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार का कोई फॉल्ट कोड TSD में मेंशन नहीं है और वह घबरा जाता है कि इसके बाद क्या करना है। तो इस परिस्थिति में लोको पायलट को एडवाइस किया जाता है कि यदि इस प्रकार का कोई फॉल्ट कोड F00P0 का आइसोलेशन मैसेज के साथ अपियर होता है तो आप इसे इग्नोर कीजिए और एक आइसोलेशन मैसेज जैसा ही इसे ट्रीट कीजिए और TSD के अनुसार कार्य कीजिए। धन्यवाद।